औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनी में गुरुवार को एक युवक की चैम्बर में गिरने से मौत हो गई। इसके बाद युवक के परिजन और समाजजन कंपनी के सामने एकत्रित हो गए। युवक की मौत को लेकर कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। जब इस संबंध में कंपनी के प्रबंधक नंद किशोर पाठक से जानकारी चाही तो वह बहसबाजी करते हुए नजर आए। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रेस्टीज कंपनी में काम करते समय आकाश पिता कैलाश बामनिया उम्र 25 वर्ष निवासी न्यू देवास हाल मुकाम इकलेरा माताजी की गुरुवार सुबह चैम्बर में गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों के साथ समाजजन पहुंचे और हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों को कंपनी प्रबंधन ने कोई आश्वासन नहीं दिया तो परिजन धरने पर बैठ गए। सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा मौके पर पहुंचे और कंपनी के प्रबंधक से बात की, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन ने पीड़ित परिवार को 4 लाख की मदद देने की बात कही। परिजनों का कहना है कि चैम्बर पर जाली लगी थी जो काफी कमजोर थी, जिसके कारण आकाश उसमें गिर गया और उसकी मौत हो गई। उनके ऊपर ही उनका परिवार पूरा डिपेंड था, तो हमारी ये मांगे हैं कि उनके परिवार वालों को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए, साथ ही उनको एक परिवार के एक व्यक्ति को यहाँ पर परमानेंट जॉब दी जाए, और जिसके वजह से जो सेफ्टी प्रशासन यहाँ पर जो कंपनी मालिक है उन पर FIR भी की जाए, यही हमारी प्रमुख मांग है। और कंपनी खुद ही बगैर जांच के यहाँ से बंदे को उठा के ले गई और पोस्टमार्टम करवा दी, और हम सब जो लोग गए वहाँ पे जो समाज के लोग वो बाद में पूछ। PM करने पहुंचा दिया, उसके बाद उनके परिवार को जानकारी मिली, जब तक उनके पूरे साक्ष्य जो सबूत थे वो मिटा दिए गए। वहाँ जो जाली में से टूट के गिरा था वो जाली भी चेंज कर दी, उसका कास्टिक का सोडा वो निकाल के बाहर फेंक दिया। कल उनके परिवार से मिलने जाएंगे सब जनप्रतिनिधि, और ऐसा हुआ तो शिवराज जी तक माननीय मुख्यमंत्री जी से तक शिकायत करेंगे कि इस प्रकार की अनियमितताएं कंपनी वाले कर रहे हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगर इन्होंने कहीं लिपापोती करी तो 8 दिन के बाद ये सारा जितना समग्र समाज दिख रहा है वापस आके इस प्रेस्टीज को बंद कराएगा और ये गेट पे धरना देगा। इनका जो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस है उसमें इंश्योरेंस था, तो उसके तहत जो भी क्लेम इनके होते होंगे और इनका जो पेंशन होता है वो इनको मिलेगा, क्लेम्स इनके सारे सेटल हो जाएंगे। कंपनी ने भी अभी इनको प्रारंभिक सहायता के तौर पर 4 लाख रुपए देने के लिए कहा है, तो वो इनको भुगतान हो जाएगा। कंपनी प्रबंधक के ऊपर हम FIR भी कराएंगे और ठेकेदार के ऊपर भी FIR कराएंगे हम, क्योंकि हमारे समाज के व्यक्ति की इसके अंदर जान गई है, बहुजन समाज के कार्यकर्ता की जान गई है, हम उसके ऊपर उचित कार्रवाई कराएंगे।